प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 7 विषय संस्कृत के विषय में पढ़ाऊंगी। चैप्टर है आपका सप्तम पाठ आलसो बालः, आलसी बालक। इसके विषय में बताऊंगी। एक है आलस है बालक है आसीत। एक आलसी बालक था। अब आसीत लंगलकार का धातु रूप है। एक आलसह बालका हसीत। एक आलसी बालक था। शैशव कार्यम अपि न अकरोत्। वह अपना कार्य स्वयं भी नहीं करता था। सह नित्यम पाठशालाम न अगच्छत्। स्वयं माने वह, नित्यम माने रोजाना, पाठशालाम माने पाठशाला को, न माने नहीं, अगच्छत माने जाता था। वह रोज पाठशाला भी नहीं जाता था। कक्षा या कार्य समय ना अक्रोध, और कक्षा का कार्य भी समय पर नहीं करता था। सह एकदा अचिंत्यत। सह माने उसने, एकदा माने एक बार, अचिंत्यत माने सोचा। उसने एक बार सोचा। अध अहम, अध माने आज, अहम माने मैं, विद्यालय ना गमिष्यामि। आज मैं विद्यालय को नहीं जाऊंगा। उद्याने कंदुकेन, बगीचे में, कंदुकेन माने गेंद से, पक्षी सह क्रीडामि। बगीचे में गेंद से पक्षियों के साथ खेलूंगा। क्रीडामि माने खेलूंगा। तत् सह उद्यानम अगच्छत। तत् माने वह, तत् है सह उद्यानम अगच्छत। वह बगीचे में गया। उद्याने एकः अपि जनः न आसीत्। उद्याने माने बगीचे में एक भी, अपि माने भी, जनः, जना माने लोग, न आसीत् अर्थात बगीचे में एक भी लोग नहीं था, या आदमी या मनुष्य नहीं था। एकस्य वृक्षस्य शाखायां स एकं काकं अपश्यत्। एक वृक्ष की, पेड़ की शाखायां माने शाखा पर, स एकं काकं, उसने एक कौवे को अपश्यत माने देखा। एक वृक्ष की शाखा पर उसने एक कौवे को देखा। बालक अवदत्। बालक बोला, भो काका, अरे कौवा, आगच्छ मया सह क्रीड इति। अरे कौवा, आओ मेरे साथ खेलो। एह काका अवदत्। कौवा बोला, भो, अरे बालकः, इदानीं प्रातः वेला अस्ति। ये है, अरे बालक, इस समय प्रातः काल का समय है। वेला माने समय है। अहम जन जागरणाय, अहम माने मैं, जन जागरणाय माने लोगों को जगाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है जागरणाय में, मैं लोगों को जगाने के लिए गच्छामि माने जाता हूँ। मम बहु कार्यम अस्ति, मेरे लिए बहुत कार्य हैं, मेरे लिए बहुत कार्य हैं। अवकाश न अस्ति, छुट्टी नहीं है। अवकाश माने छुट्टी नहीं है। तुमेव क्रीडेति, तुमेव में संधि विच्छेद करेंगे तो तुम प्लस एव आ जाएगा। क्रीडेति, तुम ही खेलो। तत् सह उद्याने कपोतान अपश्यत। उसके बाद उसने बगीचे में कबूतरों को देखा। कपोतान माने कबूतरों को देखा। स तान अकथयत। वह उनसे बोला, मित्राणि
अगच्छ मित्र आओ क्रीडामः, मित्र आओ क्रीडामः माने हम सब खेले ही। एक कबूत एक कपोतः तम अवदत्, एक कबूतर बोला अधुना वयम इस समय हम सब भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः, अब इस समय हम सब भोजन के लिए क्षेत्रम गच्छामः क्षेत्र को जाता हूँ। शोभनाम बेलाम वयम इस सुंदर बेला में हम सब ना या पश्यामि इस सुंदर बेला को हम सब नहीं व्यतीत करेंगे। अनंतरम सह बालकः एकम भ्रमरम अपश्यत, अंत में अनंतरम माने अंत में या बाद में, स माने वह बालक एकम भ्रमरम अपश्यत, अंत में उस बालक ने एक भौंरे को देखा। तम अवदत, तम माने उससे, अवदत माने बोला अरे भ्रमर अरे भौंर तुम सदा मकरंदम पानम करोषि, तुम अरे भ्रमर अरे भौंरे तुम माने तुम सदा माने हमेशा, मकरंदम माने पुष्पों का रस पान करते हो। इदानीं मया सहक्रीड इस समय अब मेरे साथ खेलो। भ्रमर अखत्यत भौंरा बोला, भौंरा बोला या भौंरे ने कहा, भ्रमर अखत्यत भौंरे ने कहा यदि अहम त्वया सह क्रीडामि यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तहिर कदा परागम ग्रहीष्यण्याम, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तहिर माने तो, कदा माने कब, परागम माने पराग या पुष्प रस ग्रहीष्यामि ग्रहण करूँगा, यदि भौंरे ने कहा, भौंरे ने कहा यदि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तो पराग कब ग्रहण करूँगा, पराग कब ग्रहण करूँगा। हाँ तो बच्चों आगे है, तुम अपरेण सहक्रीड एवं पिपीलिकः अपि एतद् एव अपि एतद् एव उत्तरम अच्छेत, कहा तुम दूसरे के साथ खेलो। एवं पिपीलिकः, पिपीलिका माने चींटी ने भी, चींटी ने भी यह उत्तर दिया, अच्छेद माने दिया। ततः सह आलसः, तब वह आलसी बालक अचिंत्यत, तब उस आलसी बालक ने सोचा, तब उस आलसी बालक ने सोचा अस्मिन् संसारे हे, अस्मिन् माने इस संसारे माने संसार में, खगः पक्षी मृगः जानवर पशु कीट कीड़े भी आलसः न संति, तब उस बाल आलसी बालक ने क्या सोचा, सबने उसको खेलने से मना कर दिया कि मेरे पास, चींटी ने भी कह दिया मेरे पास समय नहीं है, कौवे ने भी कह दिया, कबूतरों ने भी कह दिया, एक एक करके सबके पास गया और उसको सबने मना कर दिया। तब उस आलसी बालक ने सोचा, क्या सोचा, अस्मिन् संसारे इस संसार में, खग माने पक्षी मृग माने, अस्मिन् संसारे इस संसार में, खग माने पक्षी मृग माने पशु जानवर कीट पतंग यानी कीट मकोड़े ने भी, कीट मकोड़े भी आलसे है न संति आलसी नहीं है इस संसार में, कोई भी ना तो चींटी आलसी है ना पक्षी आलसी हैं ना खरगोश पक्षी ना पशु और चींटी भी नहीं। तब उसने सोचा संति माने हैं, अहमेव
मैं ही। अगर बच्चों अहम एब का संधि विच्छेद करते हैं तो अहम प्लस एब होता है, ये माने ही आता है। तो उसने सोचा, क्या सोचा, मैं ही किमर्थम किस लिए आलस है भवामी, तो मैं किस लिए आलसी बनूं या हूं, ये इति माने ये। तदा सह प्रतिदिनम, तदा माने तब, सह माने तब से वह, प्रतिदिनम माने रोजाना, पाठशालाम पाठशाला को, गत्वा गम धातु से बना है। अब इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, कत्वा, तो हो गया गत्वा। गम धातु में प्रत्यय कत्वा जुड़ जाए तो शब्द बन गया गत्वा। गत्वा माने जाकर। तब से वह प्रतिदिन पाठशाला जाकर अध्ययनम अकरोत, अध्ययन करता था, पढ़ाई करता था। पंडितश अभवत, और ज्ञानी, पंडितश माने ज्ञानी, अभवत माने हुआ या बना। उक्त चय और कहा गया है, आलस ही मनुष्याणाम शरीर स्तोह महारिपु। आलस ही मनुष्यों का सबसे बड़ा महान शत्रु है, सबसे बड़ा महाशत्रु है। ने अस्ति उदसम वंधु कृत्वायम नाव सीदति, यानी परिश्रमी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। परिश्रम व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। क्या है, आलस है ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महारिपु, यानी आलस ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। न अस्ति उदसमहा बंधु, यानी परिश्रम व्यक्तियों का सबसे बड़ा मित्र है, परिश्रम व्यक्तियों का सबसे बड़ा मित्र है। कृत्वायम नावसीदि, इसे ना करने से दुख होता है, इसे नहीं करते हैं तो आदमी दुख हो जाता है। अगर आलस करेंगे तो दुखी रहेंगे, और आलस नहीं करेंगे, परिश्रम करेंगे तो दुख नहीं होगा। अब बच्चों ये पाठ मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है, इसे पढ़ना, और जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे। बच्चों धन्यवाद।